चैनल को सब्सक्राइब करिए, लगातार वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर क्लिक करिए ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। 2.5 का हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि प्रसारित रूप में लिखना है हमने इन घनों को, तो हम इसमें फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या हमारा फॉर्मूला यहाँ पर है, तो ये है हमारी a की घात x की घात 3 प्लस, ये फॉर्मूला है हमारा x प्लस y की घात 3 आ जाता है, x की 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy प्लस 3xy, यहाँ पर x का स्क्वायर और यहाँ पर y का स्क्वायर आएगा, ये हमारा फॉर्मूला है। अब आगे इसको प्रसारित रूप में हम करते हैं। ये हमें लेफ्ट साइड दिया, हमने ये पूरी राइट साइड निकालनी है, तो 2x की घात 3 आ जाएगा प्लस 1 की घात 3 प्लस 3, ये है x हमारा और ये है y, 3x है 2x और y है 1 प्लस 3, फिर से xy और xy लिखना, यहाँ पर x स्क्वायर है और 2x आ गया x और y आ गया 1, यहाँ पर y का स्क्वायर है। अब यहाँ पर 2 को जब 3 बार गुना किया, 1, 2, 3, तो ये आ गया 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, ये आ गया 8x की घात 3, 1 का 1 ही आया 3 बार गुना करके, और ये आ गया 3 दुनी 6 नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, इसका हमने स्क्वायर लेना है पहले, 3 4x स्क्वायर और ये आ गया 1 जमा 3 और ये आ गया 2x और इसकी घात हमारी 1 ही आई। आगे सॉल्व करेंगे, x की घात 3 प्लस 1, ये आ गया 4 3 12x और ये आ गया 3 दुनी 6 6x। अब देखिए हम इसे आगे कैसे लिखेंगे, हमारा सम सॉल्व हो चुका है, लेकिन सबसे पहले 3 घात 2 घात 1 घात इस तरह से लिखेंगे, तो ये आ गया 8x की घात 3 प्लस 12x की घात 2 प्लस 6x प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया है। अब आगे यहाँ पर हम ये सम करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे माइनस का क्या होता है। माइनस का हमारा फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई का क्यूब, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy प्लस, यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस 3x, यहाँ पर y स्क्वायर है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया है। आगे करना हम स्टार्ट करते हैं, तो 2a की घात 3 माइनस 3b की घात 3 माइनस 3, x है 2a, ये है x और ये है हमारा y, तो 2a और दूसरा आ गया हमारा 3b प्लस 3, यहाँ पर हमारे x के घात में घात है। अब इसको 2a को 3 बार जब गुना करेंगे हम, तो ये आ गया 8a की घात 3, a के आगे 1, 2, 3, ये घातें जमा होती है ऐसे 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 1 की घात 3 आ गया, तो ये आ गया 8a की घात 3 जमा 3 को भी 3 बार अगर हम गुना करते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, सॉरी ये माइनस है, 8a की घात 3 माइनस 27b की घात 3, अब यहाँ पर आएगा माइनस 3, इसका स्क्वायर ले लेंगे हम 4a स्क्वायर और ये 3b, और यहाँ पर आ जाएगा, चाहे इन दोनों को गुना भी कर सकते हैं हम, 3 दुनी 6a और ये आ गया 3 तिया 9b का स्क्वायर, 8a की क्यूब माइनस 27b का क्यूब, अब इनको गुना करेंगे, 3 चौके 12, 12 तिये 36, 36a का स्क्वायर b और प्लस 54ab स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसमें देखिए फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी की घात 3, तो ये आ जाता है हमारा a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab प्लस 3ab, यहाँ a में स्क्वायर और यहाँ b में स्क्वायर। यहाँ पर भी आप देखें a प्लस, यहाँ ये माइनस का है की घात 3, तो ये आ गया a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab प्लस 3ab, यहाँ a में स्क्वायर और ये हमारा b में स्क्वायर, ये हमारे दोनों फॉर्मूलाज इन सम्स में लगेंगे। अब करना स्टार्ट करते हैं 3/2 x³ जमा 1³ जमा 3, a क्या आ गया, इधर देखिए ये a है और ये हमारा b है, 3/2 x और b है हमारा 1, प्लस फिर से 3a और ये हमारा b, 3/2 x और b आ गया हमारा 1, यहाँ a में स्क्वायर यहाँ b में स्क्वायर। अब आप देखिए इसको 3/2 को 3 बार गुना किया, 3 × 9, 9 × 27, ये आ गया 27/2 x³ जमा 1, अब ये आ गया हमारा 3 + 3 और ये आ गया 3 × 9, 2 × 4 x³² और ये 1, ये ऐसे ही आ गया हमारा इसका स्क्वायर है, चाहे डायरेक्ट इसको हम गुना कर सकते हैं, 3 × 9/2 x ये 1 स्क्वायर खोल करके आ गया, तो ये आ गया हमारा आगे 27/2 x³, ये 1 लास्ट में ही लिख देते हैं हम, और ये गुना करके आ गया 9 × 27/4 x² जमा 9/2 x + 1, यह हमारा आंसर आ गया। आपने ये ध्यान रखना, देखिए बीच में 1 आ गया था, इस 1 की कोई घात नहीं है, तो हमने इसको पहले ही लास्ट में कर दिया, क्योंकि हम कैसे लिखते हैं 3 घात 2 घात 1 घात और उसके बाद 0 घात, जिसमें कोई घात नहीं होती, तो इस तरह से हम लिखते हैं। अब ये वाला सम देखिए x³, अब आप पहले देख लीजिए यहाँ पर एक्स और हमारा वाई क्या है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, -2/3y हमारा बी है, तो ये आ गया -2/3y³, -3 a आ गया x और b आ गया हमारा -2/3y, यहाँ a में स्क्वायर है, प्लस 3x और ये आ गया -2/3y, यहाँ पर हमारा b में स्क्वायर है, माइनस नहीं, माइनस हम ऑलरेडी माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस हम नहीं लगाएंगे बीच में, ये आ गया x³ माइनस 2/3 को अगर 3 बार गुना करते हैं, 2 × 4, 4 × 8, 3 × 9, 9 × 27, 8/27y³, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर यही होगा, हम ऐसा करते हैं यहाँ पर इस 3 × 3, 3 × 3 इसको काट देते हैं, तो हमारा आ गया 2x²y, क्योंकि यहाँ पर इस ब्रैकेट में एक्स बचा है और इसमें 2y बचा है, तो ये हमारा 2x²y आ गया है। यहाँ पर भी आप देखिए कट रहा है 3 × 3, यहाँ पर हम लेकिन नहीं काट सकते क्योंकि इसकी घात है भी 2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये हम नहीं काटेंगे, तो हम लिखेंगे प्लस 3x × 4/9 y² 2, 3 × 3, 3 × 9, अब काटेंगे इसे, तो ये आ गया x³ माइनस 8/27y³ माइनस 2x²y प्लस, ये 3 तो हम काट चुके हैं, तो ये आ गया 4/3 x² 2, ये हमारा ये आंसर आ चुका है। इसमें हम बटे वाली रकम में अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे x³ माइनस 2x² एंड y, आगे आ जाता है हमारा माइनस 8 बटे
27 वाई की घात 3 प्लस 4 बटे 3 एक्स वाई की घात 2। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, बटे वाली रकमें हमने अलग से लिख दी है इसमें।